हेलो डॉक्टर माधवराज जी, हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव लग सकता है ऑडियंस को, या हम इसको सेक्स एजुकेशन का पार्ट भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा यंग जनरेशन में, लोग नाइट फॉल करके एक वर्ड सुनते होंगे। बहुत लोगों को इसका मतलब भी पता नहीं होता, एंड बहुत लोगों को, जिनको पता है, उनको एक बीमारी की तरह भी लगता है। तो प्लीज आप ये थोड़ा, जो नाइट फॉल करके जो वर्ड है, जो सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड भी है, तो थोड़ा इसको आप विस्तार में लोगों को समझाइए, प्लीज डॉक्टर माधोरा जी। जी ठीक है। मुझको ऐसा लगता है कि सेक्स एजुकेशन ये जो मैं ऐसा कहूँगा सब्जेक्ट है, मैं ऐसा कहूँगा कि एक टाइटल है जिसके अंदर में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए मित्रों, तो आप हमें हमारे हमें कमेंट में लिख भेजिए कि हाँ आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी चाहिए। अगर हाँ तो आपने यस लिख दिया इसी वीडियो के कमेंट में, तब भी हम उसका मतलब यही समझेंगे कि हाँ आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी चाहिए, और फिर हम सेक्स एजुकेशन के ऊपर में और कुछ वीडियोज भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना मित्रों? तो ये यस बात बिल्कुल मद्देनजर में रखते हैं हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो, एसेंशियली सेक्स एजुकेशन का, कि वीडियो एजुकेटिंग रहे, मतलब वो एजुकेशन का मटेरियल दिखे, वो मेडिकल साइंस और रिसर्च के ऊपर में बेस रहे। ठीक है ना? तो उसको उस तरह से ही बनाने की कोशिश करते हैं, इसको कोई वल्गर रूप देने की कोशिश कभी नहीं होती है। तो आप बिल्कुल निसंकोच इसमें लिख सकते हैं कि यस आपको सेक्स एजुकेशन एजुकेशन के बारे में जानकारी चाहिए, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। ये नाइटफॉल के बारे में जरा बता देना चाहूंगा। आमतौर पे ये बात सही है, मुझको ऐसा लगता है कि ये कॉमनली सब लोगों को पता है कि नाइटफॉल क्या होता है, ऐसी मेरी धारणा है। लेकिन सुशील सर और बाकी कुछ लोगों को ये कहते हुए मैंने सुना है कि नाइटफॉल के बारे में बहुत लोगों को या कुछ लोगों को पता नहीं है। बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि उम्र, जैसे किशोर अवस्था आ जाती है लड़के की, मेल की, तो वो किशोर अवस्था में, वो 12 साल के बाद में या 14-15 साल के बाद में या उसके बाद में भी उन्हें नींद में इरेक्शन होता है, और वो इरेक्शन होते समय में कोई सपने आते हैं जो कि सेक्स के रिलेटेड या लड़की के रिलेटेड कोई सपने हो सकते हैं। और ऐसे सपनों में फिर उनका जो पेनिस है उसमें से सीमेन बाहर निकल जाता है, जिसको कहते हैं सीमेन एक्सपल्शन। तो वो सीमेन बाहर निकल जाना, इसको नाइट फॉल कहते हैं। अब इसके बारे में साइकोलॉजिकल भ्रांति बहुत है, क्योंकि लोगों को ये लगता है, मतलब उन लड़कों को या उन्हें बताने वाले बुजुर्ग मेल मेंबर्स को भी, फैमिली मेंबर्स या रिलेटेड मेंबर्स को भी ये लगता है कि नींद में अगर सीमेन अगर निकल जाएगी, मतलब उसको कहते हैं वीर्य का पतन हो जाएगा, ऐसा कहते हैं, अगर वीर्य का पतन हो जाएगा तो बड़ी कमजोरी आती है, ऐसा मानते हैं लोग। ये भ्रांति है मित्रों, ये मैं बताना चाहूंगा। हालांकि वीर्य के पतन होने से या वीर्य के स्खलन होने से कमजोरी आने जैसी कोई बात, शारीरिक बीमारी आने जैसी कोई बात नहीं होती है। देखिए, अगर लार जैसे हमारे मुंह में बहती है और आप वो थूकते हो तो क्या आपको कमजोरी आती है? नहीं। तो भाई सीमेन में कंटिन्यूअसली सिक्रेट होने वाली बात है जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में सिक्रेट होती है ना, और वो सिक्रेट होने वाली जो बात है अगर आप उसे एक्सपेल कर भी देंगे तो वो फिर से कंटिन्यू सिक्रेट होती रहती है। ठीक है ना? इसको लेकर के बहुत सी भ्रांति लोगों में फैलती है, और लोग ये भी मानते हैं कुछ लोग कि इसे स्टोर करके रखना चाहिए, इसको खोना नहीं चाहिए, अगर आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो आपको ऐसा उसका प्रभाव मिलेगा या फायदा होगा वगैरह। इसको मेडिकल साइंस कोई सपोर्ट नहीं करता मित्रों। हम मेडिकल साइंस में ये समझते हैं कि ये आपकी धारणा है या आपका फिलोसॉफिकल थॉट है या आपका विश्वास है, लेकिन इसमें मेडिकल साइंस इसको सपोर्ट नहीं करता। फाइन, तो यस मुझको सर, ऐसा कहना है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस मुझको ये कहना है कि अगर फॉल नाइट फॉल होता है तो होने दीजिए, कोई उसमें रोक टोक की कोई बात नहीं है, वो तो कभी कभार होता है, वो एक ओकेजन है, और उसको होने के बाद में आप अपने कपड़े क्लीन कर लीजिएगा, अगर कोई गीला हुआ है बेडशीट तो उसको चेंज करिएगा, धो लाइएगा और जिंदगी में आगे बढ़ जाइएगा। इससे ज्यादा उस विचार में, चक्कर में ना घूमो। अगर इस चक्कर में आप घूमोगे तो पिशिंग एंड पिशिंग एंड पिशिंग आपका हो जाएगा, ज्यादा अगर पिशिंग एंड पिशिंग, अगर चक्की पिशिंग हो जाएगा
तो मेरे जैसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास में जाना पड़ेगा, ये बात लेकिन पक्की समझिएगा। ओके चलो, इस थैंक यू। थैंक यू सो मच जो आपने नाइटफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो बहुत सारे लोगों को जिनको थोड़ा इसके बारे में पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा ये कुछ बीमारी नहीं है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जी थैंक यू डॉक्टर माधवराजे, एंड थैंक यू टू ऑल ऑडियंस फॉर योर पेशेंस एंड योर अटेंशन। थैंक यू सो मच।